जागरण जोश को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। क्या आप जानते हैं कि भारत में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है और किस प्रकार से भारत ने बांग्लादेश के गठन में एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण भारत ने पाकिस्तान के साथ 1971 में युद्ध भी किया था। आइए आज इस वीडियो में जानेंगे कि 16 दिसंबर को विजय दिवस क्यों मनाया जाता है। 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष था। इसका आरंभ तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के चलते 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर रिक्तिपूर्व हवाई हमले से हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में बंगाली राष्ट्रवादी गुटों के समर्थन के लिए तैयार हो गई। युद्ध की शुरुआत आखिर हुई कैसे? पाकिस्तान की सरकार और सेना पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले अपने ही लोगों पर जुल्म और बेगुनाह लोगों की हत्या कर रही थी, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोग अपनी ही पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इतना ही नहीं, उनकी आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार शुरू कर दिया। वहां के लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने भी लगे। कैसे भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की मदद की थी और क्यों? सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया था। आइए देखते हैं कैसे। ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्यों में पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 10 लाख शरणार्थी भारत में उस समय आए थे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये स्थिति देखकर उन्होंने भारतीय फौज को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। तत्कालीन हुई भारत और अमेरिका के साथ बैठक में भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया था कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को नहीं रोकेगा तो भारत पाकिस्तान में सैनिक कार्रवाई के लिए मजबूर होगा। भारत के कई राज्यों में शांति भी भंग हो रही थी। इसको देखते हुए इंदिरा गांधी ने 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ एक ऐसा समझौता किया जिसके तहत दोनों देशों की सुरक्षा का भरोसा दिया गया। इसी युद्ध के दौरान हुआ मुक्ति वाहिनी सेना का जन्म। पूर्वी पाकिस्तान में हालात बहुत खराब होते जा रहे थे। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, ईस्ट पाकिस्तानी राइफल्स और ईस्ट बंगाल रेजिमेंट्स के बंगाली सैनिकों ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बगावत करके खुद को आजाद घोषित करना शुरू कर दिया था। भारत ने भी मदद करी और वहां के लोगों को फौजी ट्रेनिंग भी दी, जिससे कि वहां पर मुक्ति वाहिनी सेना का जन्म हुआ। भारत के कुछ शहरों में 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी विमानों ने बमबारी शुरू कर दी थी, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो गया। 4 दिसंबर 1971 को भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में समुद्र की ओर से पाकिस्तानी नौसेना को टक्कर दी और दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान की सेना का भी मुकाबला किया। भारतीय नौसेना ने 5 दिसंबर 1971 को कराची बंदरगाह पर बमबारी कर पाकिस्तानी नेवी हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। इसी समय इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को एक नया राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में बनाने का ऐलान कर दिया। इसका मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा न होकर एक नया राष्ट्र बन गया। परिणाम स्वरूप 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था और उस समय लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। इस प्रकार 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का एक नए राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ और पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो गया। ये युद्ध भारत के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है। इसीलिए देश भर में भारत की पाकिस्तान के ऊपर जीत के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर 1971 को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 1971 में इस युद्ध के दौरान भारत के 3900 सैनिक शहीद हुए थे और 9851 घायल हुए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अन्य ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए विजिट करें jagranjosh.com। Till the next time, it's a goodbye.